भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कम बोलने वाला व्यक्ति विद्वान नहीं कहलाता, धीरज रखने वाला, क्रोध ना करने वाला वह निडर व्यक्ति ही विद्वान कहलाता है। एक सुराही बूंद बूंद से भरता है। सभी गलत कार्य मन से ही उपजते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या गलत कार्य रह सकता है? 1000 खोखले शब्दों से एक शब्द बेहतर है जो शांति लाता है। एक निष्ठाहीन और बुरे दोस्त से जानवरों की अपेक्षा ज़्यादा भयभीत होना चाहिए, क्योंकि एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव दे सकता है, लेकिन एक बुरा दोस्त आपके दिमाग में भी घाव कर जाएगा। अराजकता सभी जटिल बातों में निहित है। परिश्रम के साथ प्रयास करते रहो। अतीत पर ध्यान केंद्रित मत करो, भविष्य का सपना भी मत देखो, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। चाहे जितने भी पवित्र शब्दों को पढ़ लें या बोल लें, लेकिन जब तक उन पर अमल नहीं करते उनका कोई फायदा नहीं होता। मनुष्य का दिमाग ही सब कुछ है, जो वह सोचता है वही बनता है। जीव एक तेज चाकू की तरह बिना खून निकाले ही मार देता है। सत्य के रास्ते पर कोई दो ही गलतियां कर सकता है, या तो वह पूरा सफ़र तय नहीं कर सकता या सफ़र की शुरुआत ही नहीं करता। 3 चीज़ों को लंबी अवधि तक छुपाया नहीं जा सकता, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, नहीं तो हम अपने दिमाग को मजबूत एवं स्वच्छ नहीं रख पाएंगे। अपने उद्धार के लिए स्वयं कार्य करो, दूसरों पर निर्भर नहीं रहे। हम अपने विचारों से ही अच्छी तरह ढलते हैं, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। जब मन पवित्र होता है तो खुशी परछाई की तरह हमेशा हमारे साथ चलती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं, बस पीड़ा की एक स्थिति है। इंसान के अंदर ही शांति का वास होता है, उसे बाहर ना तलाशे। एक शुद्ध निस्वार्थ जीवन जीने के लिए एक व्यक्ति को प्रचुरता में भी कुछ भी अपना नहीं है ऐसा भरोसा करना चाहिए। एक जलते हुए मोमबत्ती से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। किसी परिवार को खुशी, सुख और स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी है अनुशासन और मन पर नियंत्रण। अगर कोई व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर ले तो उसे आत्मज्ञान का रास्ता मिल जाता है। क्रोधित रहने वाला व्यक्ति जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने की इच्छा से पकड़े रहने के समान है। यह सबसे पहले आपको ही जलाता है। खुद पर विजय प्राप्त करें। दूसरों के सामने कुछ भी साबित करने से पहले यह जरूरी है कि हम खुद को साबित करें। हर इंसान की प्रतिस्पर्धा पहले स्वयं से होती है। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, खुशी तो स्वयं ही रास्ता है। गुजरा वक्त वापस नहीं आता। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि अगर आज कोई काम अधूरा रह गया है तो वह कल पूरा हो जाएगा। हालांकि जो वक्त अभी गुजर गया वह वापस नहीं लौटेगा। घृणा कभी ख़त्म नहीं हो सकती। घृणा को केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, और यह एक प्राकृतिक सत्य है। जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचो और भविष्य के सपने मत देखो, केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। निश्चय रूप से जो नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहते हैं वही शांति पाते हैं। हमारा दुश्मन ही हमारा उतना नुकसान नहीं कर सकता जितना हमारे विचार खुद से हमारा नुकसान कर सकते हैं। ये कभी मत सोचो कि ये क्या हो गया, बल्कि ये हमेशा करने की सोचो कि हमें आगे क्या करना है। गलत चीज़ों की शुरुआत हमारे गलत विचारों से ही आते हैं। जो करना है आज ही करें,
क्या पता कल हमारे पास जिंदगी हो ही नहीं। बुराई करने वाले को हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि वही तुम्हारी गलतियां तुम्हें बता सकते हैं। हम अपने भाग्य के निर्माता खुद ही होते हैं। अगर लापरवाह रहते हैं तो नर्म घास से भी हाथ छिल जाते हैं। इसलिए धर्म की प्रति की गई लापरवाही हमें नरक के द्वार पर ले जाती है। हमारा शरीर अनमोल है, खुद को जागृत करने का सबसे बड़ा साधन है, इसीलिए इसका ख्याल रखें। आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो आपका काम है लगातार आगे बढ़ते रहिए। यदि हम अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता करने की क्या ज़रूरत, और यदि समस्या का कोई हल ही नहीं तो फिर चिंता करने से कोई फ़ायदा ही नहीं। आप तभी खुश रह सकते हैं जब बीत गई बातों को भुला देते हैं। यदि अध्यात्म और सत्य की राह में कोई नहीं मिलता तो भी अकेले ही चलिए। डर तो मिलना स्वाभाविक है, फिर दुखी होना या ना होना आपके हाथ में है। मोह बंधन ही सभी दुखों की जड़ है। अगर बुराई से दूर रहना है तो अच्छाई को बढ़ावा दीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। राधे राधे।